तो मित्रों आते हैं दिसंबर माह कैसा रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए सोहन पद्धति के द्वारा आपको बताते हैं। हमने कहा था कि रोहिणी नक्षत्र जो आ गया पक्ष जो आया पिछले महीने में जो शुरू हुआ था वो 1 से लेकर 12 तारीख तक इस महीने में रहने वाला है, जो आपके लिए अच्छा जान नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। वो यात्रा भी कराने की बात करता है तो कभी खर्च भी कराने की बात करता है, वो कभी ज़्यादा अनिष्टकारी हो जाए तो वो कोर्ट कचहरी चोट दुर्घटनाओं की ओर इशारा करता है, तो जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं रहता है। या ये हो सकता है कि जो पीछे आपका जो जमीन जायदाद का या कोई इंसर्ट एसेट्स खरीदने का जो बन रहा था उसका कोई अगर कोई कुछ रह गया हो तो उसके लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाए, ये भी संभव हो सकता है। तो कभी बिल्कुल नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 13 से लेकर जो 26 का है वो ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा भी चिंताजनक है, ये भी मतलब कोई बहुत बढ़िया नहीं है। उसके बाद आद्रा है, यानी कि उसके बाद जो आ रहा है वो अति लक्ष्मी प्रदाता यानी कि फिर बेनिफिट देने वाला है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाले नहीं हैं, ये किसी काम को सिद्ध करने के लिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी जो भी काम इस बीच में होने वाले हैं वो आपको कार्य को सिद्ध करने के लिए। आइए देखते हैं कि महीने में किस तरह से भ्रमण करेंगे आपके ये 9 ग्रह नक्षत्रों में। सूर्य जो है अनुराधा के बाद ज्येष्ठा में आ रहे हैं, उसके बाद में मूल में चले जाएंगे। तो ज्येष्ठा में जब तक रहेंगे तो वो भी आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे, जो लगभग 3 से लेकर 16 तारीख तक इसमें रहने वाले हैं। मंगल अनुराधा में, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा में आ रहे हैं मंगल भी, इसका मतलब वो भी कष्टकारक आपको दे रहे हैं। बुध मूल से पूर्वाषाढ़, उसके बाद फिर मूल में वक्री होकर आ गए, इसका मतलब वो आपको हारी बीमारी नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने वापस खींच लिया अपना पैर। अश्विनी के अंदर बैठे हुए आपके गुरु जो है वो आपको देख रहे हैं और प्रसिद्धि देने की बात कर रहे हैं, तो आप चिंता जो है थोड़ा छोड़िए, क्योंकि बृहस्पति जहाँ जिसके साथ हैं तो बल्ले बल्ले हैं। और शुक्र चित्रा स्वाति और उसके बाद विशाखा, ये तीनों ही आपके लिए बहुत फायदेमंद नक्षत्र हैं, यानी कि शुक्र अच्छे हैं आपके लिए और शनि पहले से ही बहुत अच्छे शतदिशा में बैठे हुए हैं, और अरुण कुछ समय के लिए वापस जो भरणी में आए हैं तो लग रहा है थोड़ा सा फिर जो चीज़ें रह गई थी, आपने कुछ ऑपरेशन कराया होगा या कुछ जो रहा उसको शायद वो हो सकता है कि उसमें कुछ रह गया हो, कोई इंजेक्शन या कुछ लगाना बच गया, तो उसको करा के आप ख़त्म कीजिएगा, जिससे कि अरुण देव आगे बढ़ जाएं और आपकी हारी बीमारी पे बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाए इसके बाद में। और वरुण देव जो पूरी तरह से आपको बैठे हुए हैं संपत्ति देने के लिए, बहुत अच्छा समय है। थोड़ा ऊंच नीच होती रहती है लेकिन ये आपका साल बहुत अच्छा है, जो बहुत से लोगों के नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपको जो ये नए तरीके से जो प्रेडिक्शन आपने देखा है ये बहुत अच्छा लगा होगा, और लगा है तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा और अपने लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये आपका पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए जो सोहन पद्धति के द्वारा मैंने कैलाश पंडित ने जो प्रेडिक्शन किया था या जो मेरा भविष्य कथन था वो यहाँ समाप्त होता है। तो इसी के बाद मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।